हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एपिसोड 19 ऑफ एंडर लिलीज। सो लास्ट एपिसोड में हमने ये जो कैसल एरिया पूरा ये एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था, एंड पिछले एपिसोड में लकीली हमें दो सेव पॉइंट्स भी मिल गए, एक ये वाला एंड एक ये वाला। इनका नाम, एक सेकेंड, नाम अभी बता दो, फास्ट ट्रैवल में देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट लोकेशन तब पता चलेगा। या मेल, अभी हम मेलस्ट्रॉम रैम्पार्ट्स में, एंड इसके अलावा जो बचे हुए लोकेशंस हैं वो है गेस्ट चेंबर्स, एंड पिछला वाला एपिसोड हमने रुइंड कैसल सेलर से स्टार्ट किया था। ओके, तो आज के एपिसोड में हम करने ये वाले कि आपको ये रेड डॉट दिख रहा है तो ये जो एरिया है ये पहले ब्लॉक था, हमें दो लेवर्स खींचने थे जिससे यहाँ पे एक एलिवेटर सिस्टम है वो मतलब एक्सेस कर सके। तो पिछला एपिसोड पूरा वो जो शॉर्टकट वॉर्टकट खोलने में लग गया था, या एक लेवर इस तरफ था जो हमने स्टार्ट में खींचा था एपिसोड के, फिर पूरा हम घूम के इस साइड से गए एंड दूसरे इस साइड से एक लेवर था तो वो हमने खींचा था। तो अभी ये पूरा ओपन है, हमें बस सीधा इधर जाना है एंड यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। तो नॉर्मली मैंने बताया था ना कि एक जोन में 4 से 5 रेस्ट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि एंड एक रेस्ट पॉइंट जो होता है वो जस्ट बॉस के एकदम पास में होता है। तो हमें 3 रेस्ट पॉइंट ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो या तो अगला यानी कि 4th रेस्ट पॉइंट या फिर उसके बाद वाला 5th रेस्ट पॉइंट वो जब हम पहुंचेंगे तो उसके पास भी बॉस के होने के चांसेस है। अभी तक मतलब मैंने जितने बचे हुए जोन्स की है तो उससे मुझे थोड़ा सा अंदाजा लगे, जैसे ये जोन देख लो 1 2 3 4 ये वाला बॉस के पास था, ये वाला देख लो तो इधर 1 2 3 4 और ये 5th वाले पे बॉस था, तो या तो 5th वाला नहीं तो 4th वाले में बॉस आ जाता है डिपेंडिंग ऑन द जोन कि वो कितना बड़ा है। उसके अलावा मेरे पास स्टैग्नेटेड ब्लाइट काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, ये वाला जो है जिसे हम ये ऑरेंज वाले जो हमारे लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स वाले स्प्रिट्स होते हैं उनको अपग्रेड करते हैं। तो मैंने क्रो मर्चेंट, जो वेस्टर्न मर्चेंट है क्रो वाला हमारा एबिलिटी, इसको मैंने लेवल 4 कर लिया क्योंकि मैंने देखा मैं इसे काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ। उसके अलावा मेरे पास और 520 पड़ा हुआ है, फिलहाल मैंने किसी और पर खर्च किया नहीं है। देखते हैं कि मे बी मुझे लग रहा है मुझे आर्चर को अपग्रेड करना चाहिए एंड हेडलेस डिफेंडर को अपग्रेड करना चाहिए, लेकिन फिलहाल जब तक इनका यूज़ नहीं आ रहा है मैं इन्हें बचा के रखा है क्योंकि हो सकता है हमें और भी साइड मिनी बॉसेस मिले जिनकी एबिलिटी मुझे शायद ज़्यादा पसंद है तो उन्हें अपग्रेड करूँगा। बाकी जो रेड वाले इनको अपग्रेड करने के लिए फ्यूरियस ब्लाइट लगता है एंड फ्यूरियस ब्लाइट की हमेशा कमी पड़ी रहती है। मैंने मेनली गैरोड को ही अपग्रेड किया लेवल 5, यू कैन सी अगर मेरे पास फ्यूरियस ब्लाइट और आता है तो मैं सोच रहा हूँ कि उल द मैड नाइट को अपग्रेड करो। बाकी हमारा जो अम्ब्रल नाइट है ये अभी भी लेवल 1 पे है क्योंकि इसको अपग्रेड करने के लिए एंशियंट सोल्स चाहिए, तो ये क्या चीज़ है पता नहीं एंशियंट सोल्स एग्जैक्टली, अभी तक हमें एक भी बार नहीं मिला। मुझे अभी ऐसा फील आ रहा है कि ये हो सकता है कि जो मेन फाइनल बॉस को मारने के बाद मे बी एंशियंट सोल मिलता हो और हम न्यू गेम प्लस में यानी कि जब हम सेकेंड बार अगर गेम खेलेंगे तो तब इसे अपग्रेड कर सकते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर वैसा हुआ तो दिस इज़ काइंड ऑफ सैड क्योंकि फिर तो फर्स्ट ज़्यादातर प्लेयर्स तो एक ही बार गेम खेलेंगे जो भी खेलते हैं, एंड फर्स्ट वॉक थ्रू में फिर जब एक दो जोन के बाद अम्ब्रेला नाइट को कोई यूज़ करेगा ही नहीं जो हमारा सबसे पहला वाला स्पिरिट है, तो या दैट इज़ काइंड ऑफ सैड। ठीक है, तो आगे बढ़ते जैसा कि मैंने बोला एलिवेटर की तरफ बढ़ना है और वहाँ से ऊपर की तरफ चल जाएंगे। अच्छा, तो आपको याद होगा तो पिछले एपिसोड में इधर सामने की तरफ एक लूट था, मैं उठा नहीं पाया था, मैंने वो ऑफ रिकॉर्डिंग उठा लिया, मुझे फिर भी कुछ 6-7 अटेम्प्ट और लगे थे, ये करेक्ट जंप हो नहीं पाते उधर। सही है, चैलेंज रूम वाले यार ये एक बार करने में हो जाना चाहिए, बार बार कौन करते रहेगा ये। बार बार काफी अनोइंग से हो जाते हैं ये। आखिरी बंदा बचा है, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो वो इसी एलिवेटर की बात कर रहा था। तो ये दोनों साइड से इसके गेट बंद थे, तो मैं पिछले एपिसोड में स्टार्ट करना पड़ा, स्टार्ट बोल दिया। पिछले एपिसोड में एक्चुअली वो गेट्स खोलने पड़े हमें, जो हम नीचे अभी जहाँ से आए थे ना, इधर या इधर लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे डबल बैरियर्स है। अगर हम ध्यान से देखें तो इधर आप एक लेवर देख सकते हैं नीचे, ये देखो, एंड ऑपोजिट साइड में भी एक लेवर है। तो ये दोनों हमें जाके स्टार्ट करना पड़ा, तभी ये गेट खुला यहाँ पे। ओके, वी कैन गो लेफ्ट और वी कैन गो राइट। राइट जाके आते हैं, फिर लेफ्ट चलते हैं। मर गया। अरे अच्छा, मुझे लगा दूसरे जोन में ही चले गए क्या ये। ओके ओ, उस तरफ लूट है। ओके पे एक सेपरेट एरिया है पूरा, एंड इस तरफ एक और एरिया होगा। फिर नहीं चल, लॉल चलो, मरा तो नहीं होगा, मुझे लग रहा नीचे कहीं पे पड़ा होगा। मर गया। ओके तो या तो हम ऊपर जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं, अरे ये क्या सीन है। हेलो लॉल, मैं तो सोचा यहाँ से राइट से नीचे कूद के वो लूट ले लेंगे जो उधर था उस साइड, बट ये गेम मुझे उस तरफ जाने नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों, क्या पता तो लूट कैसे लेंगे भाई। तरफ जो रूट दिखा था, कोई और रास्ता होगा उधर आने का, तभी मुझे रोक के रखा है गेम ने यहां से जाने से। ओके हम ऊपर की तरफ आ गए, यहाँ पे एक रेस्ट बेंच है, बढ़िया। बॉस के आसपास है क्या? ओ नहीं, प्रिस्टर्स कैसल में वो व्हाई वाज आई चोजन बाय द किंग, इज इट बिकॉज आई वाज द फर्स्ट वाइट प्रिस्टर्स बोर्न अमंग माय सिस्टर्स, आई वंडर इफ माय अदर सिबलिंग्स आर स्टिल down below, all I can do is tidy up the room mother used to occupy, it will be ready for her when she returns. Priestess castle memoir, so I think ye kisi aur priestess ka letter hai, maybe iski body badi hai idhar. Okay, prayer restoration plus, to ye bas ha yahan pe grab kar raha hai, ye itna hi hai. एक्चुअली इधर ऊपर जाने का कोई रास्ता है, हम अभी एक्सेस कर नहीं सकते, बाद में मे बी। वैसे गेम में कोई हुक का मैकेनिज्म है, मैंने कंट्रोल्स में पढ़ा था, जब मैं कंट्रोल्स रीसेट कर रहा था एक हुक कर गया है,
लेकिन वो हुक अभी तक मिला नहीं। मे बी ग्रैपल हुक टाइप कुछ होगा जो हम यूज कर सके। तो ये एरिया तो कंप्लीट हो गया, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, वापस जाके लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा। यप निकल लिए। नहीं तुझसे लड़ने का टाइम नहीं है, आई एम गोइंग। तो ये हमारा कौन सा वाला हो गया, 1, 2, 3, 4 वाला हो गया, यानी कि अगला फिफ्थ। और पांच से ज्यादा रेस्ट पॉइंट होते नहीं है नॉर्मली एक जोन में, तो अगले वाले में पक्का हमें बॉस मिल जाएगा। नहीं ये हो क्या रहा, इन्होंने मेरी एचपी खा कैसे ली इतनी ज्यादा। ओके अरे यार मेरे पास बस दो हील्स बचे और ओए चलो उस वाले को मारना जरूरी था, वो जो मैजिशियन था, नहीं तो मैजिक कर करके मार देता मैं। स्टैग्नेटेड ब्लाइट, स्टैग्नेटेड ब्लाइट काफी मिलने लग गया एज कंपेयर टू अर्ली। स्टैग्नेटेड ब्लाइट जैसे कि गेम के स्टार्टिंग में भी देखा आपने, 500 के आसपास हो गए मेरे पास। शिट, आई एम नॉट लाइकिंग दिस। But I have no heals, and मैं उसका एक भी अटैक लूंगा तो मरूंगा। अरे भैया कितने एनिमीज है इधर। ओहो लॉक जोन, बच गए। ये चैलेंज रूम्स बहुत ज्यादा है, ये जो कैसल एरिया उतना टफ नहीं है, बट ये एरिया को टफ वही बनाता है वो जो लॉक्ड रूम्स है ना, कि आप छोड़ के जा नहीं सकते हो। एक हील मिल गई, मतलब कोई तरीका ही नहीं है वो लॉक्ड रूम छोड़ के जाने का। लेट्स होप कि वो नीचे गिर गया हो। नहीं नहीं इधर ही आई है, अटक गया शायद ये। हाँ मार दिया। बढ़िया तो उस तरफ एक लूट है जो मैं अभी ले नहीं। अच्छा मुझे समझ गया वो किधर पड़ा हुआ है लूट। हाँ भैया हम इधर है। नहीं नहीं मैं बताया क्या अंदाजा लग रहा था, मुझे लग रहा था ये जो रेड डॉट है ना, ये समहाउ मुझे लगा ये रूम इस तरफ होगा, बट नहीं ये काफ़ी दूर है। तो ये डॉट, ये जो हमारी लूट है वो कहीं और से ही मिलेंगी हमें। कोई सवाल ये कि मैं ऊपर कैसे चढ़ूँ। हाँ
एक नाइट, दो नाइट, नहीं ओ बच गया, पता नहीं कैसे। अच्छा इसके लिए तो बेसिकली हमें एक नई एबिलिटी चाहिए होंगी ये वॉल तोड़ने के लिए। इधर भी अंदर एक लूट है, मैं ये इधर अंदर कुछ ऊपर कुछ है क्या देखने आया था, बट आई डोंट थिंक ये ऊपर कुछ है, बट ये रूम में डेफिनेटली लूट्स है। एक यहाँ पे हो गया, एक नीचे की तरफ हो गया, एंड ये ऊपर जाने का भी कोई रास्ता है इधर, बट फिलहाल हम जा नहीं सकते। ये जो इतने सारे ऊपर जाने के रास्ते हैं ना, मुझे ये जो ऐसे कुछ रास्ते है, ये एक हो गया, एंड वहाँ पे और भी कुछ जगह पे ऐसे ऐसे एग्जैक्टली रूफ के ऊपर ऐसा रेड डॉट बना हुआ है। ये देख के मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि मे बी गेम में हमें कोई फ्लोटिंग एबिलिटी, या फिर मुझे लग रहा है एक हुक वाली एबिलिटी की मैंने बात की ना वही होगा, क्योंकि अगर हुक का अलग से इन्होंने ये दिया हुआ है कंट्रोल कि हम हुक यूज़ कर सकते हैं, तो फिर वही होगा। एक बार हमारे ग्रैपल हुक समथिंग आए तो मे बी हम दीवार पर डाल के ऐसे कैटापुल की तरह एक हम खुद को ऐसे आगे की तरह फेंक सके, एंड मे बी ज्यादा हाइट पे जा सकते हैं, फिर हम ऐसा चांसेस है, प्रॉबेबली वही होगा। ओह नाइस, पहुंच गए हम बॉस के फर्ट्स, क्योंकि ये पांचवा सेव, पांचवा रेस्ट पॉइंट है ये एरिया का। 552 है मेरे पास, इसको अगले लेवल पे लेके जा सकते हैं, यानी कि लेवल 5 पे। फिलहाल इन दोनों को इसी पे रखते हैं, बाद में देखते हैं। ये क्या लेटर है? नाइट स्नो टू वन, एट लॉन्ग लास्ट द अबोमिनेबल लॉर्ड ऑफ द ब्लाइटेड लैंड्स हैज बीन प्यूरिफाइड। ओके, तो जो लॉर्ड ऑफ द ब्लाइटेड लैंड्स है वो सारे ब्लाइटेड मॉन्स्टर्स इन सब का काइंड ऑफ किंग था, बट उनको हराने के बाद इसको प्यूरिफाई कर दिया इन लोगों ने। आई एम बिसाइड माई सेल्फ विथ रैप्ड रिलीफ, द ब्लाइटेड हैव टॉर्मेंटेड us for many long years, but now I control them, tied as my hands were. I had no choice but to affiliate my subjects to deal with those damnable wretches. Now their powers is in my hand. Okay, तो kings के कुछ dark plans थे मुझे लग रहा है, पता नहीं king किधर है। तो इनको हराने के बाद king चाहता था कि वो खुद control करे उनको, maybe I think दूसरे kings वगैरह, दूसरे lands के kings को हराने के लिए, क्या पता। Okay, so I am thinking we are that be the throne room ahead. Okay, हम किंग से फाइट करने जा रहे हैं क्या? मुझे लग रहा है बॉस फाइट तो आने वाला है। The king of the land's end. Oh, king तो इधर पड़ा हुआ है। तो इसने किंग को मार दिया, ठीक है। ये है कौन? एक नाइट की तरह दिख रहा है। कमांडर ऑफ नाइट है क्या? ओ कैप्टन जूलियस, ओके। काफी ज्यादा देर तक के स्टन था, काफी ज्यादा देर तक स्टन था। ओए ओए ओए, सेकंड फेज, ओ बच गया बच गया। बच गया, वापस बच गया।
स्टन हो गया ये वापस। ये फाइनल फेज जा रहा है, हील कर लिया मैंने, बोले रिस्क नहीं लेते। ये क्या कर रहा है भाई, मुझे डैमेज कैसे हुआ, मैं पीछे था, व्हाट द हेल। ओ ये इसका वो वाला चार्ज अटैक पीछे से डैमेज दो इसको। खत्म है खत्म है। ओके गॉट इट, फर्स्ट अटेम्प्ट, पता नहीं कैसे हो गया बट मुझे इतना टफ नहीं लगा, ये इतना तेज भी नहीं था, नो आइडिया कैसे प्रो हो गए हम, या फिर हमारा जो गैरोड है वो ज्यादा ओवर पावर्ड हो गया। चलो इसको प्यूरीफाई करते हैं एंड इसकी बैक स्टोरी देखते हैं क्या है। अच्छा इसका नाम ऐसे था कैप्टन जूलियस नाइट या फिर जूलियस कैप्टन नाइट समथिंग, बट जो भी जूलियस करके जो बंदा था जिसके लेटर्स हमें मिल रहे थे ये वो है। तो मैंने बताया था कि जूलियस कुछ तो हायर अप समथिंग है, तो ये कैप्टन था सारे नाइट का। एंड इसकी स्टोरी के बारे में हमने बात किया था कि इसके मॉम को किसी ने एग्जीक्यूट किया था, आई थिंक मतलब एग्जीक्यूट यानी कि किंग के ऑर्डर से एग्जीक्यूट किया था। एंड जो एग्जीक्यूशनर था जिसने इसके मॉम को मारा था उसने इसको फिर मतलब पाल पोस के बड़ा किया, काइंड ऑफ एडॉप्ट किया था। एंड फिर बाद में ये पता नहीं नाइट्स का कैप्टन कैसे बन गया, जो भी है देखते हैं, मे बी हमें कुछ पता चले इसके पास्ट के बारे में। अभी कट सीन तो आएगा इसका कुछ ना कुछ। एज अ किंगडम अप्रोच ऑब्लिवियन इट्स सब्जेक्ट्स बिकम डेथलेस अबोमिनेशंस माई ब्रेथन फॉट ऑन अंटिल मैडनेस कंज्यूम्ड देम और द रेन डिड। Okay. I managed to starve out the corruption of my mind and found myself in the throne room. My blade held over the king I was meant to protect. He shook and blubbered exasperation. Okay. Blubbered exasperation. The priestess and the knight who gave their lives for the kingdom was disposable. This was where the king's obsession with immortality had led us. इसने किंग को मारा था, किंग्स वर ड्रिपिंग विद ग्रीड वेयर द पैल्पेबल लेमेंट ऑफ हिज करप्ट हार्ट, इट वॉज प्लेन टू मी एज अ ब्लड पंपिंग इन दैट हार्ट ऑल्सो फ्लोड थ्रू माई वेन। आई टू हैड नॉट फॉर टू प्रोटेक्ट द किंगडम और इट्स पीपल बट माई ओन इंटरेस्ट, आई ओनली विश फॉर हिम टू एडमिट ही हैड बीन रॉन्ग टू अबैंडन मी। किंग का बेटा था क्या? श्योर इनफ एज आई हेल्ड माई सॉर्ड ओवर हिम हिज आईज वेर फिक्स्ड ओनली ऑन मी, आई हैड बीन वेटिंग फॉर दिस, वेटिंग फॉर आवर आईज टू मीट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ओके आई थिंक ये किंग का बेटा था। इसके डायलॉग पढ़ के, हाँ द किंग्स बैस्टर्ड सन आफ्टर एंडरिंग अ हार्ड लाइफ ही रोज थ्रू द नाइटली रैंक्स टू गेट बैक एट हिज फादर, हिज टेनेसिटी इज अनपैरेलल्ड। ओके तो काइंड ऑफ जब ये ब्लाइटेड वंस के साथ जीत गए, ब्लाइटेड के साथ जो भी वॉर था उसके बाद रेन हुआ जिस वजह से ये सब कर्स्ड हो गए। तो जब ये कर्स्ड हो गए तो नाइट किंग के थ्रोन रूम में आया एंड किंग को अटैक करने लग गया ऑब्वियसली क्योंकि ये कर्स्ड था। एंड नाइट जब अटैक करने लग गया तो किंग पागल होके किंग ने सब कुछ उगल दिया, यानी कि जो भी उसका ट्रू इंटेंशंस वगैरह था कि वो इमॉर्टैलिटी वगैरह लेना चाहता था एंड जो भी नाइट्स और सब्जेक्ट्स थे ये सब उसके लिए मैटर नहीं करते वगैरह, तो वो नाइट ने उसे मार दिया वैसे भी। तो काइंड ऑफ जो किंग इधर मरा पड़ा है वो नाइट ने उसे मारा। अनलीशेस अ सीरीज ऑफ जैपिंग अटैक्स विद अ लैंस दैट अलाउज मैक्सिमम रीच, लॉन्ग रेंज अटैक सही रहेगा। एडवांसिंग थ्रस्ट कैन बी मेड बाय यूजिंग दिस स्किल व्हाइल मूविंग साइडवेज, होल्डिंग ए स्लैश डी प्लस शिफ्ट। ओ डैश, ओके तो ये क्या काइंड ऑफ लॉन्ग डैश है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी डैश कर सकता हूँ। ठीक है, आफ्टर डॉजिंग नाइट कैप्टन जूलियस ग्रैब होल्ड्स ऑफ यू एंड चार्जेस फॉरवर्ड अलाउिंग अ बर्स्ट ऑफ मोमेंटम। या मुझे लग रहा है ज़्यादा लंबा डैश कर सकता। ओ ओके ये तो काइंड ऑफ मतलब फ्लोट ही हो गया, बस स्ट्रेट लाइन में फ्लोट कर सकते हैं, हम ऊपर की तरफ नहीं कर सकते। ओके piercing spectral lance while dashing attack button, okay. Char strike of the Captain Knight Julius lance can break through. Okay, तो जो वो walls है वो तोड़ने के लिए, the longer the dash the more magic build up. तो kind of जैसा Geralt का ground slam था इसका straight line में dash है and जितने दूर से करेंगे उतना ज़्यादा powerful रहेगा, this only increases attack range and power.
बट ऑल्सो पावर थ्रू थिकर पावर्स थ्रू थिकर पल्स पुश टू लैंड वॉल्स. ओके पुश टू लैंड वॉल्स यानी कि वही रेड कलर वाले. ओके नाइस. तो देखते हैं पहले आसपास जाके कौन से वॉल्स है. अ नाइट ड्रिवन फ्रॉम द कैसल. हाउ मच हेट्रेड मस्ट वन बी कंज्यूम्ड बाय टू किल हिज ओन किन वन ओन किन. ओके तो ये एपिसोड में देखते हैं आसपास कुछ लूट वूट की आइटम रही तो वो सब निकालते हैं एंड बाकी फिर नेक्स्ट एपिसोड में. आपको पता है नेक्स्ट एपिसोड अभी एक बैक ट्रैकिंग एपिसोड होने वाला है क्योंकि हमने एक एरिया ख़त्म किया पूरा. और एक एरिया ख़त्म करने का जब भी हमें कोई नई एबिलिटीज मिलती है तो हम बैक ट्रैकिंग एपिसोड करते हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सामने वाले वॉल पे ग्रैब कर सकता हूँ अगर मेरा टाइमिंग करेक्ट रहा तो. हम किधर है वैसे. यहाँ से कहीं जाने का रास्ता वस्ता तो नहीं है. तो काइंड ऑफ डबल डैश हो गया अभी. ये एक डैश मेरा एंड एक या डबल डैश है. एक और बार ट्राई करते हैं. नहीं उधर कुछ नहीं है. होता तो पकड़ लेता अभी. किधर गया. लेवल 4. ओके फुल द मैड नाइट की जगह पे लगा के देखते हैं क्या सीन है. या डेफिनेटली उतना फास्ट नहीं है. डेफिनेटली मतलब कि 100% फास्ट नहीं है उल्फ जितना. उल्फ अब तक का सबसे तेज कैरेक्टर बोल सकते हैं एंड उसके बाद प्रोबेबली अम्ब्रेल नाइट जो हमारा सबसे पहला वाला नाइट था. इसकी स्पीड मैं बोलूंगा प्रोबेबली जो सिल्वा थी उसके जितना होगा. बस एक प्लस पॉइंट ये है कि इसके पास रेंज है. पता नहीं ठीक है ये उतना खास भी नहीं लगा. ओके अच्छा मुझे आई थिंक अटैक भी करना पड़ेगा. यप ये तो प्लस 5 एचपी हीलिंग एमुलेट. ठीक है दूर से पोक पोक करके मार सकते हैं. ये मुझे ऐसा थोड़ा सीन लग रहा है ये यहां से नहीं टूटेगा. ये इतना बड़ा रेड कलर का बैरियर है ना. यप इसके लिए कहीं दूर दूर से आना पड़ेगा. उस वजह से यहाँ पे जो रेड डॉट है ना पक्का. ऊपर कहीं पे हम जा सकते हैं एंड प्रोबेबली वहां से ऐसे डैश करते हुए आके इसको मारना. ये अभी टूटने से नहीं रहा क्योंकि अंदर दो चीज है. एक टेबल पे भी कुछ रखा हुआ है एंड एक लूट भी है. सो जब तक हम ऊपर नहीं जा सकते तो ये वाला नहीं उड़ने से नहीं रहा. मे बी ये रूम का हम एक्सेस ले सके मे बी. और कहां पे क्या था. और इस तरफ वगैरह भी था कुछ. यहाँ पे था कुछ. ये रूम के नीचे की तरफ. फास्ट ट्रैवल करके जाते हैं यहां से उधर. या बट ये इतना लेट बॉस फाइट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना इजी होगा. मतलब एक ही अटेम्प्ट पे हो गया एक्चुअली क्योंकि जो पिछला बॉस फाइट था उल द मैड नाइट उसको अच्छा खासा 6-7 अटेम्प्ट लगे थे मस्त वाले. वो टफ था एक्चुअली में टफ था क्योंकि उसके स्पीड की वजह से बीच में हील भी नहीं कर पा रहा था. इसमें तो मुझे हील की जरूरत भी नहीं पड़ी. शायद एक या दो बार किया मैंने. टोटल 5 हील थे मेरे पास
वो भी एक वाला तो मैंने इसी फ्री में कर लिया क्योंकि उसका फेज थ्री जा रहा था, तो मैंने फ्री में किया। फिर उसके बाद फेज थ्री में उसने मुझे थोड़ा सा डैमेज किया, तब मुझे एक्चुअली में हील यूज करना पड़ा। तो टेक्निकली देखा जाए तो बस एक हील लगा है मुझे। अच्छा ठीक है, नहीं ये वाला भी नहीं होगा। मुझे लगा कि मे बी हम ऊपर से कुछ कर सके, बट इधर बाहर की तरफ एक वॉल था मैं श्योर हूं। नॉट बैड, बट लेवल 4 पे 270 एक्चुअली बहुत कम है। गैरोड 490 समथिंग करता है। एक्चुअली मुझे पसंद ही इसलिए है, गैरोड द एल्डर वॉरियर जो है उसका डैमेज इतना ज्यादा है एंड नॉक बैक इफेक्ट भी बढ़िया है। एक्चुअली नाइट्स से लड़ने के लिए थोड़ा बेटर है ये, जो ये नाइट्स एनिमीज है ना इनसे हम लड़ने के लिए थोड़ा अच्छा है ये जूलियस वाली स्पिरिट जो है। अच्छा हम अभी किधर है, एग्जैक्टली इस तरफ है, तो यहाँ पे एक जगह जो अभी एक्सेस नहीं कर सकते, इधर भी एक जगह पे एक्सेस नहीं कर सकते, बाकी ये रूम में भी एक जो लूट है उस तरफ भी जा नहीं सकते। अच्छा ये वाला रूम ब्लू क्यों है, ये वाला रूम ब्लू क्यों है, ये देखना है। बाजू में आ गए, तो इतने से लोकेशन पे कहीं पे कोई कुछ लूट है कहीं पे, तो क्यों है ये ब्लू? अगर ये ऊपर कहीं से कनेक्ट होता तो मैं एक्चुअली आइडिया लगता कि हाँ हम यहां से कहीं से ड्रॉप करके यहां से लूट उठा सकते हैं। कुछ रूम्स मतलब टोटली मिस्टीरियस है, हमें पता ही नहीं कि लूट है किधर। ये देखो ये बस इतना सही है, वहां से ही आता है रूम खत्म, वापस तो हम लेफ्ट की तरफ भी जाके आए, कोई आइडिया नहीं इधर लूट किधर है। ये सारा एरिया तो पूरा ही लूटेड है पहले से। दोनों को डैमेज पड़ गया, बढ़िया। तो आज का एपिसोड गाइस इधर ही रैप अप करते हैं।
क्योंकि आसपास बस वही एक लूट दिखा जो 5 HP का एमुलेट हमने उठाया बॉस को मारने के बाद। उसके अलावा कोई लूट इधर, ये तो अभी उठा नहीं सकते, ये उठा नहीं सकते, ये उठा नहीं सकते, यहाँ पे भी उठा नहीं सकते, यहाँ पे रेड कलर का डोर है तो इधर से भी कुछ नहीं उठा सकते। तो एक्चुअली ये पूरा जोन में कुछ उठा नहीं सकते। वैसे ये जो एरिया है ना, यहाँ पे कुछ रेड कलर के बैरियर्स थे जो हम तोड़ के लूट उठा सकते। तो नेक्स्ट एपिसोड जो है ना वो बैक ट्रैकिंग एपिसोड होने वाले हैं, उसमें हम ये यहाँ से जो भी लूट हम मिल सकते हैं वो उठाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक डोर है अगर मुझे करेक्टली याद है तो, इधर कहीं नहीं, इधर नहीं, और पीछे की तरफ एकदम, हाँ इस तरफ, ये यहाँ पे एक रेड कलर का डोर है तो वो हम तोड़ के उठा सकते हैं। उसके अलावा फिर डोर नहीं, मतलब वो बैरियर, उसके अलावा और कोई लोकेशन मुझे दिख नहीं रहा जहाँ पे हम एक्चुअली में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मे बी अगला जो एपिसोड होगा बैक ट्रैकिंग को काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा होगा। जैसे नॉर्मली बैक ट्रैकिंग के एपिसोड हम 45 से 50 मिनट्स तक जाता है, मुझे लग रहा है ये वाला मे बी आधे घंटे में ख़त्म हो जाए शायद। ओके तो ये एपिसोड रैप अप करते हैं गाइस, आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, भाई बॉस को फर्स्ट अटेम्प्ट में मारा तो एक लाइक तो बनता ही है। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।